राजनीतिक पार्टी बनाना एक बात है और उसे सक्सेस तक ले जाना दूसरी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ नए पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद की परेशानी बढ़नी लाजमी है। उन्होंने नई पार्टी डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बना तो ली, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके साथ वफादारी निभाने निकले नेता वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि डीएपी में जाना ब्लंडर था। वही गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो पछताएंगे, उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि जनता उनके साथ है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर डिप्टी सीएम तारा चंद समेत 17 नेताओं ने घर वापसी कर गुलाम नबी आजाद को झटका दिया। कतार में अभी और भी नेता है। बीते दिनों तो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मीडिया कोऑर्डिनेटर जयराम रमेश ने आजाद पर तंज भी कसा और उनकी पार्टी डीएपी को डिसअपीयरिंग आजाद पार्टी तक कह दिया। खैर, इस बीच सवाल यही है कि आखिर गुलाम नबी आजाद पर भरोसा करने वाले इन नेताओं ने आखिर उनका साथ बीच रास्ते में क्यों छोड़ा, वो भी ऐसे वक्त में जब 2023 में जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावना है। सवाल यह भी है कि गुलाम नबी आजाद अब क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उनकी वापसी लगभग नामुमकिन है। नया साल गुलाम नबी आजाद पर भारी पड़ता दिख रहा है। मंगलवार यानी 10 जनवरी को उनके दो और पुराने सिपहसालार पूर्व एमएलसी निजामुद्दीन खटाना और चौधरी गुलजार अहमद भी उनका साथ छोड़ गए, जिसकी जानकारी यूथ कांग्रेस के नेता जानजैब सरवाल ने ट्विटर पर भी दी थी। बीते कुछ दिनों में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और कई पूर्व मंत्रियों समेत करीब 20 पुराने साथी डीएपी से किनारा कर चुके हैं। करीब 5 दशक तक कांग्रेस के साथ वफादारी निभाने वाले गुलाम नबी आजाद ने बीते साल अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजकर सनसनी फैला दी थी, जिसमें उन्होंने राहुल को इमैच्योर बताया था। कहा था कि सीनियर लीडर्स की बातों को नजरअंदाज किया जाता है और राहुल के गार्ड्स और पीए फैसले लेते हैं। वैसे तो गुलाम नबी आजाद काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। ये ग्रुप G23 कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग कर रहा था। इसी ग्रुप में कपिल सिब्बल भी थे, जिन्होंने पहले ही पार्टी को टाटा बाय बाय कर सपा से हाथ मिलाया था। खैर, कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद को उनके पुराने कांग्रेस साथियों का साथ मिला। वही आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कहा गया कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का। राजनीतिक पंडितों की माने तो शुरुआत में गुलाम नबी आजाद की पार्टी से उम्मीद जताई गई कि वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों का विकल्प बनेगी और बीजेपी को भी झटका देगी। लेकिन सितंबर में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने गुलाम नबी आजाद का पूरा खेल फ्लॉप कर दिया। इसे जबरदस्त समर्थन मिला। अभी ये यात्रा पंजाब में है, लेकिन जब ये यूपी में थी तो राहुल की यात्रा में फारूक अब्दुल्ला भी कदम ताल करने पहुंचे थे। कश्मीर में इस यात्रा की एंडिंग होगी। वहाँ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी इसके साथ नजर आएंगी, जिन्हें किस दलों को कांग्रेस ने 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि डीएपी का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी नेता कांग्रेस या फिर बीजेपी जैसे दूसरे दलों में जा सकते हैं। इन सभी नेताओं का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आजाद की पार्टी में आने का फैसला जल्दबाजी में लिया था, क्योंकि आजाद उस वक्त अकेले थे। कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं का कहना है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी राज्य में सेक्युलर वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जहां राज्य की अन्य राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन की संभावना बन रही है, वही गुलाम नबी आजाद की पार्टी की स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। आजाद इस कोशिश में है कि उनकी भाजपा से नजदीकी ना लगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आजाद के इस रुख से पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में ये भी एक कारण हो सकता है कि डीएपी से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। कुछ वक्त पहले खबर ये भी थी कि गुलाम नबी आजाद की घर वापसी हो सकती है। ये अटकलें इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आजाद ने कहा था कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है, आप नहीं। और तब दिग्विजय सिंह ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था। हाल ही में आजाद ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बीजेपी से मतभेद जाहिर किया था। इसके बाद खबर थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी में उनकी वापसी के लिए सौहार्दपूर्ण फॉर्मूले के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस ने अपने समापन कार्यक्रम में आजाद की पार्टी को न्योता नहीं दिया है, तो साफ है कि उनकी घर वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।